नमस्कार। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी है। मेरी नज़रें राज पर से हटती नहीं थी। ऐसे तो हम बचपन के साथी थे, पर प्यार का एहसास होते होते कई वर्ष बीत गए। मैं जान चुकी थी कि राज की जगह मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता। ऐसे तो उसका नाम राजवीर था, पर पूरा क्लास ही उसे राज कह के बुलाता था। पढ़ने लिखने में बहुत होशियार नहीं था, लेकिन उसमें कोई ऐसी बात थी जो मुझे उस पर खींच लेती थी। वह लड़कियों से बहुत इज्जत से पेश आता, हमेशा सबकी मदद करने को तैयार। किसी बात का बुरा ना मानना, चाहे क्लास में उसे कोई कुछ भी कहकर चढ़ा दे, पर उसके चेहरे से मुस्कान हटती ही नहीं थी और उसे मुस्कान के कायल मैं हो गई थी। राज जैसे मेरे सपनों का राजकुमार बन गया था। उसकी मुस्कुराहट ने मुझे दीवाना बना दिया था। कभी दिल कहता कि राज के बिना ज़िंदगी जीना तो नामुमकिन ही था, और दिमाग कहता कि अगर राज तुझे नहीं मिला तो तू क्या करेगी। यह सोच मेरे दिल को दहला देती। सच, अगर राज और मेरा ज़िंदगी भर का साथ ना हो पाया तो मैं क्या करूँगी। समय के साथ साथ सारे दोस्त अलग अलग दिशाएँ पकड़कर अपनी अपनी राह पर चल दिए। आज कई वर्ष के बाद मैं अपने शहर आई थी। शहर की मिट्टी की खुशबू, वह गलियाँ मुझे जैसे किसी मोह जाल में बांध रही थी। मेरा जी चाहा कि मैं उसी रास्ते से अपने घर जाऊँ जिस रास्ते पर राज का घर पड़ता है, शायद मेरी मुलाकात हो जाए। मैं ऑटो रिक्शा से उसी तरफ से अपने घर जाने लगी जहाँ पर राज का घर पड़ता था। तब अचानक मुझे उसकी एक झलक दिखी, मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। आज लगभग 3 वर्षों के बाद मैं उसे देख रही थी। वह पहले से काफी लंबा हो गया था। मैंने ऑटो रिक्शा वाले से कहा कि वह किनारे रोक ले। मैंने लगभग उसका नाम पुकार ही लिया था, तभी देखा उसका हाथ पकड़े एक लड़की भी उसके साथ निकली। उसने भर भर के चूड़ियां पहनी थी, माथे में सिंदूर, बड़ी सी बिंदी, प्यारी लग रही थी। दोनों गाड़ी में बैठे और चल दिए। मैं वह अजनबी सी खड़ी रह गई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरी सड़क पर सिर्फ मैं अकेली खड़ी हूँ और दूर दूर तक कोई नहीं। ठंडी हवा के थपेड़े ऐसे मुझे खींच रहे थे। राज के साथ यह कौन थी? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। बाद में मुझे मालूम पड़ा राज ने प्रेम विवाह कर लिया था। प्रेम विवाह? मेरे चेहरे पर एक अजीब सी फीकी सी मुस्कान आ गई। बड़ी जल्दी थी उसे शादी की। सिर्फ 22 साल की उम्र में उसका विवाह हो चुका था, पर मुझे तो अभी पढ़ाई में आगे बढ़ना था। मैंने खूब पढ़ाई की, MA की, PhD किया। मैं चाहती थी कि मैं पूरी ज़िंदगी सिर्फ पढ़ती रहूं। प्रेम का अस्तित्व जैसे मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया था, जिसके बारे में मैं रोज़ सोचती रही। न जाने उसके नाम कितनी चिट्ठियाँ लिखी और फाड़ दी, न जाने उसके लिए कितने गीत गाए, कितने सपने देखे, कितनी मन्नत मांगी। अब पूरी ज़िंदगी उसके बिना जीनी है? मुझे जैसे दहशत होती, ज़िंदगी अचानक बहुत लंबी लगने लगती। 30 साल की उम्र में मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। उस समय तक पढ़ाई में कोई उपाधि नहीं बची थी जो मैंने प्राप्त ना की हो। एक नामी कॉलेज में मैं लेक्चरर हो गई थी। सम्मान के साथ शोहरत की भी कोई कमी नहीं थी। मेरी शादी किसके साथ हो रही थी जैसे मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। सुना था लड़का भी काफ़ी पढ़ा लिखा है, देखने में हालांकि बहुत सुंदर नहीं है। मैंने सोचा मम्मी पापा ने जो सोचा है ठीक ही सोचा होगा। मेरी शादी हो गई। शादी की पहली रात जो तोहफा मेरे पति ने मुझे दिया, उसने मेरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। वह एक फ़ोटो थी। वो तब की फ़ोटो थी जब मैं 12वीं में पढ़ती थी। मैं उस तस्वीर को देखकर बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और बड़े ध्यान से अपने पति को देखने लगी। वह मुस्कुराए। उन्होंने तस्वीर पर एक जगह हाथ रखा। देखो यह हूँ मैं। मैंने बड़े ध्यान से उस लड़के को देखा, लेकिन मुझे चाहकर भी कुछ याद नहीं आ रहा था। मुझे अपनी याददाश्त पर बड़ा गुमान था। ऐसे कैसे किसी सहपाठी को मैं भूल सकती थी? तभी वह हंसे और बोले, अरे कहाँ से पहचानोगी? ना मैं खेलने में अच्छा था, ना पढ़ने में और ना दिखने में। तुम लोगों का तो अपना ही एक ग्रुप था, पढ़े लिखे बच्चों का। हम तो भाई बैक बेंचर थे।
तुम तो मेरे लिए आकाश का तारे थी। मैं बहुत घबरा गई, क्या यह मेरे और राज के बारे में जानते होंगे? तभी अचानक इन्होंने एक बात कही, जिस बात को सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुम्हें पता है प्रिया, जब हम लोग की फेयरवेल पार्टी थी तो सब लोग तुम्हें और राज को लेकर मजाक कर रहे थे। मैं उनके चेहरे को देखने लगी, लेकिन उनके चेहरे में कोई भाव नहीं था। तब किसी ने कहा, यार तेरा तो सेट है, क्लास की टॉपर को तो तू ही ले जाएगा। तब राज ने एक बड़ी अजीब सी बात कही जो उसके व्यक्तित्व के बिल्कुल उलट थी। उसने कहा, यार अगर ऐसे ही मैं अपने ऊपर मरने वाले हर लड़की से शादी कर लूँगा तब तो मुझे एक आश्रम खोलना पड़ेगा। मैंने जब यह बात सुनी तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत तेज़ गुस्सा आया राज की सोच पर। मैं तो उसे हमेशा से लड़कियों की इज्जत करने वाला समझती थी, हमेशा मुस्कुराने वाला, लेकिन उसने इतनी छोटी बात मेरे लिए कही, वो भी सबके सामने। तभी उन्होंने कहा, अगर तुम्हें इस बात का यकीन ना हो तो तुम किसी और सहपाठी से इस बारे में पूछ सकती हो। मैंने कहा कि नहीं, वह भी मेरा बचपन था, मैं तो यह सब बातें कब की भूल चुकी हूँ। मैं जानता हूँ, तभी तो तुम पढ़ लिख कर आज समाज के लिए कुछ करने योग्य हो। तुमने अपने माता पिता का नाम ऊंचा किया है, यही बात मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी लगती है। तुम उन लड़कियों की तरह नहीं हो जो 19-20 साल में शादी करके घर बसा ले और भगवान की दी हुई इतनी अच्छी भेंट अपनी तीव्र बुद्धि को यूं ही जाया जाने दे। मैं तुम्हें एक बात बताऊं प्रिया, तुम्हारी यही खासियत थी जिसने मुझे तुम्हारी ओर खींचा था। मैं तुम्हें अपना रोल मॉडल समझता था, तुम्हारी पढ़ाई की लगन को देखकर ही मुझ में पढ़ाई की लगन जागी, जिसकी वजह से आज मैं ज़िंदगी में कुछ बन पाया। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूँगा कि तुमने मेरी ज़िंदगी बना दी। मैं शर्म से घड़ी जा रही थी, जो आदमी मुझे अपना रोल मॉडल समझता था मैं उसे पहचान ही ना सकी। मैं ना जाने किस मृग तृष्णा के पीछे भाग रही थी जबकि मेरी कस्तूरी तो मेरे सामने थी। धन्यवाद।